आप टेक्नोटेक जीपीएस का कोई भी वीडियो देख रहे हो तो आपको नीचे सब्सक्राइब का बटन दिख जाएगा, इस पे सब्सक्राइब कर दीजिए। इसके बगल में बेल आइकन है, इसको दबाना बिल्कुल मत भूलिए। और अगर आपके पास किसी भी कंपनी का कैसा भी जीपीएस है तो आप हमें कॉन्टेक्ट करके उसको चालू करा सकते हैं। नीचे आपको नंबर दिए गए हैं, कॉल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, ईमेल भी कर सकते हैं। कैसा भी जीपीएस हो आप उसको ऑनलाइन मैप के ऊपर चलता हुआ देख सकते हैं। फिर आज हम i20 में लगाने वाले हैं जीपीएस। मैं आपको इंजन ऑन ऑफ का कनेक्शन बता दूंगा, बट हम लगा रहे हैं बेसिक। तो सबसे पहले हमें ये एक नट खोलना है, ये नट खोलना है, ये पेचकस से खुल जाएगा आपका, ये रहा पेचकस, इससे खुल जाएगा। उसके बाद ये दो नट हैं, ये खोल लें, ये फ्यूज़ बॉक्स है, ये निकाल लेंगे। उसके बाद हम इसको खोलेंगे साइड पैनल को, क्योंकि इसमें भी नट है साइड में। तो उसको खोलने के लिए हमें इधर से ऐसे पेचकस डाल के इसको ऐसे बाहर कर देंगे, ऐसे करके। थोड़ी सी साउंड करेगा क्योंकि ये लॉक्स हैं, साउंड करेंगे, बट डरने वाली कोई बात नहीं, कुछ नहीं टूटेगा इसमें, सब प्लास्टिक है। अब हम जो है एक ये नट है ये खोल लेंगे, और एक ये नट है ये खोल लेंगे, ये दोनों नट खोल लेंगे। और इसके बाद ये हमारा फ्रंट पैनल बाहर आ जाएगा। काम करने का सबसे अच्छा तरीका है, अच्छे से काम होता है इससे। अगर आप खाली ये नट खोल के लगा देंगे, लग तो जाएगा बट ढंग से काम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपके हाथ चलने की जगह ही नहीं होगी। देखिए ये था, इस तरीके से हमने ये साइड के दो नट खोल लिए। इस नीचे वाले को खोलने में थोड़ी सी दिक्कत होगी, थोड़ा आराम से खोलना पड़ेगा। खुल गया, ये बाहर आ गया हमारा। उसके बाद ये अटक रहे थे हमारे, तो ये ब्लैक वाला है, ये वाइट, ये जो ब्लैक वाला है ये ऐसे पुश करके बाहर आ गया। और इसके अंदर ना ये थोड़ा टाइट दबेगा, ये थोड़ा दिक्कत करेगा ये भी निकलने में, थोड़ा टाइट दबेगा, दब के बाहर आ जाएगा। ये आ गया हमारा बाहर। अब हमारे पास काम करने के लिए सफिशिएंट स्पेस है, और अब हम देखते हैं हम जीपीएस कहाँ लगाएंगे। पहले हम कनेक्शन चेक करेंगे, कहाँ पे करंट आ रहा है, कहाँ पे एसीसी आ रहा है, वो सब देखेंगे। उसके बाद हम बताते हैं जीपीएस कहाँ पे लगेगा। ये देखिए सर, इस तरीके से हम लोग जीपीएस लगा रहे हैं, तो ये सबसे बेस्ट तरीका है जीपीएस लगाने का, क्योंकि इससे क्या है किसी को पता नहीं चलता है। यहाँ पे सबको पता होता है जीपीएस लगता है इस जगह पे। अब हम यहाँ से कनेक्शन देंगे, ये देख लीजिए आप, ये है, यहाँ से कनेक्शन देंगे। ये मीटर ले लिया हमने, इसको 20 पे कर लिया है। ये है आपका रेड को 20 में लगा लिया, नीचे ब्लैक को लगा लिया। अब हम देखते हैं इसमें करंट किस में आ रहा है। मैंने वैसे चेक कर चुका हूँ मैं, करंट इसमें भी आ रहा है ऊपर, ये देख लीजिए। बॉडी अर्थ हमने यहाँ पे लगाया, ये देख लीजिए 12.16, 14, 16, 17, ठीक है, ये फ्लक्चुएट कर रहा है, ठीक है। एक इसके नीचे वायर है, ऐसा ही मोटा वायर है एक, ठीक है। ये है मीटर में देख लो, 12.17 आ रही है और स्टेबल आ रही है। तो इस टाइम सबसे अच्छा जो है ना वो इसके नीचे वाले में, जो ये ग्रीन सा कलर है, इसके अंदर डायरेक्ट करंट सबसे अच्छा आ रहा है। अब हम चेक करेंगे एसीसी। एसीसी का मतलब है चाबी ऑन करने के बाद, लेकिन पहले हम ऑफ में चेक कर लें किस किस में डायरेक्ट आ रहा है, ताकि उसमें चाबी ऑन करने के बाद भी आएगा तो उससे क्या होगा, हमें जिसमें नहीं आ रहा होगा उसमें आया तो वो एसीसी है। देखिए ये आपकी ये वायर है, इसमें इस टाइम नहीं आ रहा है, इसके ऊपर वाली में आ रहा है, करंट आ रहा है इसमें भी, ठीक है। इसको थोड़ा ऐसे ही रखते हैं ताकि आपको इजीली दिख जाए, इसमें आ रहा है, ठीक है, इस ऊपर वाली में भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है। एक ऊपर है और एक नीचे वायर है, दो वायर हैं, ठीक है, जिनमें नहीं आ रहा है अभी। अब हम चाबी ऑन करेंगे, अब हम उन दो वायरों को ही चेक करेंगे उसमें आएगा नहीं आएगा। अगर उनमें भी नहीं आया तो मतलब वो एसीसी नहीं है, वो कुछ और है उसमें, ठीक है, जिनमें नहीं है, क्योंकि जिनमें आ रहा था वो चाबी बंद करने पे भी आ रहा था, मतलब वो डायरेक्ट है। और डायरेक्ट हम पहले ही चेक कर चुके हैं, सबसे अनस्टेबल है वो इसमें करंट है, ग्रीन वाली वायर में सबसे नीचे लगा हुआ है। ये मीटर से बेस्ट तरीका चेक करने का, और कुछ लोग बल्ब वगैरह चेक करते हैं, वो सब बेकार की चीज़ें हैं। ये वायर है हमारा, ये देख लीजिए, मैं इसमें दिया, इसमें पहले करंट नहीं आ रहा था, ये देख लीजिए इसमें करंट आ रहा है, मतलब ये एसीसी है। और एक और में नहीं आ रहा था, हम उसको भी अब चेक कर लेते हैं। ये बॉडी अर्थ है, ये बॉडी में नट कसा हुआ है, और बैटरी से एक ब्लैक वायर डायरेक्ट बॉडी में टच है, तो मतलब पूरी बॉडी में अर्थ आ रहा है। देखिए ऊपर वाली में भी नहीं आ रही, तो ये किसी और चीज़ की। अब हमें कन्फर्म हो चुका है, हमारे पास दो वायर हैं, एक ग्रीन और एक ये पतली सी है,
ग्रीन में डायरेक्ट है, मतलब रेड, इसके अंदर आपका ACC, ACC किसी में वाइट होती है, किसी में ग्रीन होती है, किसी में ऑरेंज होती है। तो आप वो GPS जब हमसे बाय करेंगे तो उसके अंदर होगा ACC वायर कौन सी है। अब हम इनको स्प्लाइस कर लेंगे हल्का सा। स्प्लाइस हो गई, अब हम ग्रीन वायर स्प्लाइस कर लेंगे। ये मोस्टली गाड़ियों में ना फ्यूज बॉक्स के बगल में ये होता है, ये नहीं होगा तो जैसे स्विफ्ट है तो किसी और तरीके से होगा, लेकिन होता ज़रूर है। तो ये भी एक प्लेस है हिडन करके GPS लगाने का। ये हम लोग स्प्लाइस कर चुके हैं हल्का सा, हमें बस इतना सा ही स्प्लाइस करना है, देख लीजिए बस हल्का सा दिख जाए, इसमें टच हो जाएगा, हमारा करंट आ जाएगा। ऐसे ही हम इसको भी स्प्लाइस कर चुके हैं। और बॉडी अर्थ तो है ही बहुत सारा यहाँ पे, ये रहा नट आपका, ये देख लीजिए, इस नट में लगा सकते हैं हम इसके अंदर, ठीक है, और इस नट में भी लगा सकते हैं, इसके अंदर भी दे सकते हैं, इसके अंदर, ठीक है। तो बहुत सारा स्पेस है। तो पहले मैं GPS को कनेक्ट कर लेता हूँ। ये है हमारा GPS। ये बाकी सारे वायर अदर वर्क्स के थे वो मैंने काट दिए, और दिस साइड अप टुवर्ड्स का ये टेक्नोटेक का GPS है हमारा। ये अब हम पहले कनेक्शन कर लेते हैं। तो हमने ब्लैक, ऑरेंज और रेड तीन वायर हैं, हमने इसको टेपिंग वगैरह कर लिया है। तो हम इसको अब कनेक्ट करते हैं, कनेक्ट करके आपको दिखाते हैं फिर। ये देख लीजिए, हमने इसमें ऑरेंज हमारा ACC है, ठीक है, तो हमने इसमें ACC लगा दिया है, ग्रीन में रेड लगा दिया, ये रेड डायरेक्ट वायर होता है। अब ये ब्लैक है हमारा, ब्लैक के लिए हमने ये नट खोल लिया है, और ये नट जो है ना इसके अंदर लगा हुआ है, ठीक है, और ये बॉडी में टच है तो सबसे बेस्ट उसमें आएगा, ठीक है। तो हम इसको इसमें लगा देते हैं, करंट क्यों नहीं आया यार, बटन बंद नहीं, ऑन है। अब मैं आपको एक चीज़ और दिखा दूँ। तो कभी कभी ऐसी क्या है अजीबोगरीब चीज़ें होती हैं आपके साथ में, ठीक है। अब क्या करते हैं हम लोग, अपने अर्थ लगा दिया, हम इसको छोड़ देते हैं, लेकिन इस पे है पेंट। तो हमने अभी भी चेक किया है, देखिए हमने इस पे लगाया, ठीक है, और ये करंट, इसमें करंट नहीं आ रहा है अभी। इसको लगाया इसमें, और इसको ये देख लीजिए, मतलब इसको हटाते ही चला गया, मतलब इसमें अर्थ ढंग से नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है, क्योंकि इस पर पेंट हो रखा है पेच के ऊपर, ठीक है। तो अब दो काम है, या तो पेंट खुर्चे पेच का, वरना इसका प्लेस चेंज करते हैं, प्लेस चेंज करते हैं और क्या करेंगे। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, कस्टमर कहेगा मैंने तो जी लगा दिया, ठीक है, और बाद में उसका GPS ऑनलाइन नहीं आता है, वर्क नहीं करता है, ठीक है, वो रहता है परेशान, फिर उसको लगता है मैंने सब कुछ ठीक किया हुआ है, लेकिन ये ठीक होता नहीं है, सिर्फ लगता है। ये देख लीजिए, अब मैंने जो है इसके अंदर से करंट दे दिया है, इसी नट में अंदर से करंट, क्या है वो इससे, इसकी बॉडी से वो टच हो चुका है। अब हम इसको कर देंगे टाइट, अब हमने ये कर देना है टाइट, हमारा अंदर से अर्थ जो है लग चुका है। तो इस तरीके से छोटी छोटी चीज़ें हैं, आप इनका थोड़ा ध्यान दीजिए, वरना फिर आप रोते ही रह जाएंगे, आपका GPS जो है चलेगा नहीं। ये GPS हमारा अब चालू हो चुका है, अब हम इसको पैक कर देंगे। कहाँ करेंगे देख लेते हैं, कहाँ करेंगे। और हाँ, हम ये इसकी जो लाइट है उस पर टेप लगा देंगे, ये मैं भूल गया था, वरना ये जब बिल्कुल अंधेरे में खड़ी होगी तो ज़रा सी लाइट भी जो है दिखती है। ये देख लीजिए, मैं GPS को इधर लगा रहा हूँ, ठीक है, ये आपका यहाँ से वायर गए हुआ है, रेड, ऑरेंज और ब्लैक, और ये रहा GPS, ये रही टाई जिसको मैं खींच रहा हूँ, ये GPS पे लगा रहा हूँ। तो हम लोग तो ऐसे ही लगाते हैं GPS, मेहनत से थोड़ा सा, वरना तो 10 मिनट का काम है GPS को लगाने का। तो जितनी मेहनत से आप GPS लगा लेंगे ना, उतनी ही गाड़ी सेफ है आपकी, तो मेहनत से मत कतराना। आप बाहर इलेक्ट्रीशियन से लगवाते हो तो भी इलेक्ट्रीशियन से कहना भैया 200 रुपये फालतू ले ले, लेकिन लगा ऐसा दे कि उसको निकालना मुश्किल हो, हमारे खुद के लिए भी और तेरे लिए भी।
वैसे तो यहाँ पे ये ऐसा फिक्स हो गया है कि बगैर टाई के भी नहीं निकलेगा, बट सेफ्टी रीजन से हम लोग टाई लगा देते हैं। ऐसा क्या छुपाना, देख लो कस्टमर खुद परेशान है, इतना भी क्या छुपाना। और क्या, मेरे को जल्दी हो रही है ना इसलिए बहुत टाइम हो गया तो भैया देखो टाइम तो लगता ही है भैया, तसल्ली का काम करना तो तसल्ली के काम में टाइम तो लगता है, वरना मैं 10 मिनट में लगा देता, 10 मिनट ज्यादा नहीं लगते। देखो पता क्या होता, मैं इसको खोलता, एक नट नीचे होता, इसको निकालता बाहर, ठीक है, तुरंत लगाता मैं। पहला जीपीएस लगवा रहे हैं क्या हम? पकड़ना फोन भाई, भैया पहला जीपीएस लगवा रहे हैं तो बात है ना। हाँ तो बस ये है कि अब हम खुद भी निकालते टाइम ना सोचेंगे दो बार, खुद सोचती है स्टीम में आसान से निकाल दिया तुमने। हाँ स्टीम में ही बहुत टाइम लगा था मैं ना, हमेशा इसीलिए कस्टमर को 1.5 से 2 घंटे का टाइम बोलता हूँ, मैं लेके चलना यार, आप जल्दी करोगे तो मेरा नुकसान नहीं है आपका नुकसान है, और आओ तो दिन में आना। दिन में ही आया हूँ। हाँ वही तो सबसे बेस्ट टाइम है ये, यहाँ पे टेप लगने की जगह है नहीं तो हम लोग तारों में टाई लगा देते हैं। और थोड़ी सी टेप इस पे भी मार देते हैं, सॉरी है नट लगाने हैं इसके, पहले तो रबड़ निकालो इसका। अब ये हम लगा देंगे इसको जैसे खोला था वैसे ही वापसी, ये लग गया। अब लगेंगे फिर कैसे की खोली, थैंक यू दोस्तों। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और ये वीडियो शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक यू दोस्तों। और अगर किसी भी तरीके का आपको बल्क रिक्वायरमेंट है या अपनी गाड़ी के लिए चाहिए जीपीएस, तो हम जीपीएस बेचते हैं, हमारा होलसेल का काम है, रिटेल में चाहते हैं रिटेल में मिल जाएगा, और आप फ्लिपकार्ट अमेज़ोन या हमारी वेबसाइट से भी जाके बाय कर सकते हैं। डायरेक्ट बाय करेंगे तो आपको थोड़ा सस्ता पड़ेगा, थोड़ा नहीं काफ़ी सस्ता पड़ेगा, और ऑनलाइन में कभी भी सिम नहीं मिलता, ये ध्यान रखना। GPS लगाने के बाद आप इस तरीके से हमारी 99GPS लॉगिन ऐप है प्ले स्टोर पर, वो डाल सकते हैं, और उसके बाद आपको ये सारी गाड़ियाँ इस तरीके से चलती हुई दिखेंगी, ग्रीन रेड, और ये आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और ये लाइव मैप पर आपको दिख जाएगी चलती हुई, जहाँ पे भी होगी, ठीक है। तो इस तरीके से आप चलते हुए देख सकते हैं मैप के ऊपर किस स्पीड में जा रही है, ऊपर आ जाएगा आपका, और कितनी देर से खड़ी है वो सब यहाँ पर बताएगा आपको।